जो कॉमन सिविल कोड को हम चाहते हैं कि देश में लागू हो, एक मदरसे बने, इसमें से देश में तरक्की करने वाले लोग निकले हैं। सरकार अपने अपने हिसाब से जो फैसला ले रही है, कहीं भी हो, पूरे भारत में हो, तो निश्चित रूप से वो जो फैसला लेती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कानूनी राय भी रहती है। मीटिंग का खास उद्देश्य था कि कॉमन सिविल कोड, और जो कॉमन सिविल कोड को हम चाहते हैं कि देश में लागू हो, साथ में ही हम चाहते हैं कि जो मदरसा शिक्षा है वो उन्नत हो और अच्छे मदरसे बने, इसमें से देश में तरक्की करने वाले लोग निकले हैं, और साथ में ही हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है उस पर भी चर्चा हो और वो देश के लिए तरक्की वाला बने। इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने आज चर्चा की, खुले मन से चर्चा की, और ये संदेश देने की भी कोशिश की, ये स्टडी करने की भी कोशिश की कि हम भारत को इन सारी समस्याओं से जो होती हैं, जिसकी वजह से लोग डिस्प्यूट पैदा करते हैं, डिस्प्यूट ना हो, हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएं, उनको हम सॉल्व करें आपस में मिल बैठ के और चर्चा की। कॉमन सिविल कोड तो अभी भी है ही, एक तरह से अगर हम देखते हैं कि भारत में सभी एक ही कानून से गवर्न होते हैं, सारे कानून हम देश के लिए एक हैं, है ना। कुछ मुद्दों पर व्यक्तिगत कानून है जिसको हम फैमिली कानून बोलते हैं खासतौर पे, या पर्सनल लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। उन मुद्दों पे भी ऐसा एक एनोनिमस सम्मेलन हो जाए जिससे कि पूरा भारत एक जन, एक राष्ट्र, एक कॉन्स्टिट्यूशन की भावना पे काम करें। हम किसी को अलग थलग नहीं करना चाहते, हम सबको जोड़ के, सबको मोहब्बत के साथ एक धागे में परो के रखने की बात करना चाहते हैं कि जिससे देश की समस्याओं को हम ये अलगाव बाद में नहीं बांटें कि मैं अलग, आप अलग, हम एक कानून, एक जन की बात करते हैं। That in this country of huge diversity, if you want to keep the federal system alive, you have to have flexibilities. Now, Northeast, take Northeastern states and Kerala and Tamil Nadu, they are very, very different. So, I have a feeling that there is a need to look into the local specificity, social specificity, context specificity of different groups and have the desired flexibilities. If you don't have those flexibilities, it may be difficult to keep the Indian federal system intact. Sir, patriotic interest का मतलब क्या है? सर, patriotic का मतलब है कि हम सब देश के साथ हैं, हम सब अपनी भारत की खुशबू में रसे बसे लोग हैं, ठीक है ना। और intellectuals का मतलब है बुद्धिजीवी, जो कि समाज को एक दिशा दे। पैट्रियोटिक मुस्लिम्स को हम लेके इसलिए आना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो नेगेटिव नैरेटिव ना रखे, पॉजिटिव नैरेटिव रखे, पॉजिटिव सोच रखे हमारे भारत देश के लिए, कि हम सब मिलके भारत को कैसे बढ़ा दें, कितना तरक्की कर दें, कितना महान बना दें, ये सब हम लोगों की कोशिश है। सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करता है? क्यों नहीं करेगा, वो हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो कानून का भाग है, पूरे एक ह्यूमैनिटी का भाग है, क्यों नहीं उसमें है समस्या। But जब भी expect, we have seen what kind of incidents are happening, target होते हैं। कौन? लोग target होते हैं, when you express your freedom of expression, अगर 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 आप government के खिलाफ जाएंगे तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं है, हम सब लोग, हाँ हम सब लोग कानून के दायरे में रह के, कानून के अंदर रह के अपनी बात को एक्सप्रेस करने का हक रखते हैं, और इस बात की कानून हमारी इजाज़त देता है, और वही हम लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हम जो मुद्दा उठा रहे हैं कॉमन सिविल कोड का हो या मदरसा का, हो सकता है दूसरे लोग उसको ना पसंद करते हो, फिर भी एक्सप्रेशन का जो हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है, अपनी बात को रखने का अधिकार मिला हुआ है, उसी वजह से आज हम ये मीटिंग भी कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम भी इस मीटिंग को नहीं कर पा रहे। सर, मदरसा व्हाट चेंजेस यू फील लाइक, सर आपको क्या लगता है मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए, मदरसा जो है वो ठीक है अपनी जगह पर, बहुत अच्छे अच्छे मदरसे भी हैं देश में, जिनने देश को बड़े लोग दिए हैं और देश को तरक्की के तरफ लेके गए हैं, मदरसे का हम लोग विरोध नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मदरसे की शिक्षा उन्नत हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, हम उस थ्योरी पे चलने वाले लोग हैं। हम मदरसों को अच्छी दिशा में, उनके जो बच्चे निकले जो कि आज प्रगति की राह पे जाएं, वो सोच ना रखें कि भाई हम देश के साथ जो तरक्की है हम उसके विरोध हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो, हम सब उसके मिल के चलें। सर, अभी जंग प्लेसेस पे लाइक यू नो मुसलमान बहुत तकलीफ में, बिकॉज दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ्स एज़ पेट्रियट, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम ये मानते हैं, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हर व्यक्ति पैट्रियोटिक होता है, ऐसा नहीं है कि हम जो बैठे हैं यही पैट्रियोटिक हैं, बिल्कुल नहीं है, सभी पैट्रियोटिक हैं, अपने अपने अंदाज में लोग देश के लिए मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस करता हो या नहीं करता, हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं, और पूरे देश में सभी मुसलमान, सभी हिंदू, सभी ईसाई, सभी समाज के लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, और जो लोग नहीं करते उनका वो जानते हैं देश के लिए,
पर हम मानते हैं कि सभी लोग देश से मोहब्बत करते हैं। सर आपका क्या कहना है हिजाब को वोटिंग जो इशू जो कॉन्ट्रोवर्सी जो कर्नाटक में वोट या पीसीएम वोट से? हम हमेशा कानून के साथ रहते हैं, अगर कानून जो कहता है हम उसको मानने वाले लोग, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो माननीय उच्च न्यायालय कहेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, डेफिनेटली वो सही कहेंगे और हम उनके वर्डिक्ट के साथ ही जाएंगे। आपकी क्या राय है? हमारी, मैंने बताया ना, स्पष्ट राय कानून के साथ है, जो कानून बोलेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा है, कोर्ट जो बोल रहा है, उसके वर्डिक्ट को हमें सलाम करना चाहिए। सुने होंगे कि हिंदू मुस्लिम का जो एक तनाज़ा है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है, इस सिलसिले में आपकी तंजीम कुछ काम कर रही है? बिल्कुल, हम कहते हैं ना, पहले हमने बोला कि मोहब्बत पेश करना है, हो सकता है कुछ कमी हम में हो सकता है कुछ कमी दूसरे में, कोई बात नहीं, हम उन कमियों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे और उनको मिलाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। पर क्या ये सरकार, तो सेंट्रल सरकार बोलेगी कि मैं क्या मिलूँ, क्या खाऊँ, किसे बात करूँ, किसे मिलूँ, किसे शादी करूँ, ये सरकार का हक बनता है? नहीं नहीं, ऐसा सबको अधिकार है। देखिए, संविधान आप देखेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि उसके अंदर एक मौलिक अधिकार का चैप्टर है, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो सभी सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और मैं कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, संविधान का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो कानूनी हक सबको हैं, जो कानून ने दे रखे, वो मिलना चाहिए और मिलते ही हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। योगी मॉडल कर्नाटक में इम्प्लीमेंट करना? अब देखिए, पॉलिटिकल, चूंकि आई एम नॉट पॉलिटिकल मैन, तो ये सवाल का जवाब मैं देख नहीं सकता हूँ, पॉलिटिकल नहीं है, तो वो मैं नहीं सोचता कि हम वो देना चाहिए। सही है मॉडल है आपके नज़र में? किसका मॉडल जो कहा? देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मॉडल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल होता है, कहीं भी आप देखिए बात को, ये मीडिया का नैरेटिव हो सकता है या लोगों का चलाए हुए नैरेटिव हो सकता है, कोई मॉडल होता है, पर मैं समझता हूँ कि मॉडल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, भारत के संविधान के ही मॉडल को रख के काम किया जाता है। हाँ, किसी की व्यक्तिगत कुछ राय अलग हो सकती है, किसी की, चीफ मिनिस्टर की या किसी व्यक्ति की, तो ठीक है, वो उसकी व्यक्तिगत राय है, वो चलाए अपने, परंतु तो कानून के दायरे में चलाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंटी कन्वेंशन बिल ऑर्डिनेंस पास हुआ, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? बिल लाके ठीक किया है? देखिए, सच्चाई ये है कि वो बिल जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अभी आया है, अगर सरकार को लगता है कि वो बिल ज़रूरी है और आना चाहिए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आर्टिकल जो है भारत के संविधान के, वो अपने अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने की या उसको प्रचारित करने की या उसको बढ़ावाने की बात भी करते हैं, तो हमें पूरा सम्मान जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से उसको देना है। अगर कोई ऐसी बात आती है जिसको आपको लगता है कि कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको आप अल्ट्रा वायरस चैलेंज कर सकते हैं, उसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, है ना, हम किसी फोरम पे उसको डिस्कस करें, इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं सभी भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि हम उसको उचित फोरम पे ले जाके करें, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट पॉजिटिव है।